और अब संजौली विवाद मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताता हूं। तो संजौली में अवैध मस्जिद मामले से जुड़ी बड़ी खबर, जहां संजौली के अवैध मस्जिद मामले में सुनवाई जो है वो टल गई है। मस्जिद विवाद में कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई आज होनी थी, लेकिन ये सुनवाई टल गई है। मामले पर अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ हिमाचल से जो सामने आ रही है, जहाँ संजौली विवाद में आज इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो होनी थी, जो सुनवाई टल गई है। अब इस पूरे मामले को जो है वो 5 अक्टूबर को सुना जाएगा। कमिश्नर कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई आज तय थी, लेकिन अब इस पूरे मामले को जो है 5 तारीख अक्टूबर की बताया जा रहा है, जब इस पूरे मामले को सुना जाएगा। लेकिन सवाल अब ऐसे में ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से इस पूरी मस्जिद को लेकर विवाद जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आया, और हमने देखा कि किस तरीके से जो राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, उसी के मंत्री ने इस मस्जिद को लेकर जो है वो बातें रखी, और उसके बाद से अब इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ हिंदूवादी संगठन के लोग जो हैं वो इस मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम सुक्खू भी जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बात यहां मस्जिद की नहीं है, बात यहां हिमाचल जैसे शांत राज्य को भड़काने की है। तो शिमला में मस्जिद को लेकर घमासान मचा हुआ है। हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों ने अवैध मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर विधानसभा के पास हाल ही में चौड़ा मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। इस मस्जिद को लेकर राज्य की सियासत में घमासान मचा हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अवैध मस्जिद है जो सरकारी जमीन पर बनी है। आपको बता दूं कि 1 सितंबर को मलयाना क्षेत्र में एक व्यवसायी पर हमला हुआ था, कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इसमें शामिल थे। घटना के तुरंत बाद लोग संजौली के बाहर मलयाना में एकत्रित हुए और वहां मस्जिद को गिराने की मांग करने लगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद निर्माण मामले पर राजनीति भी अब तेज हो गई है। विधानसभा सदन में कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी फिर एक बार आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के बयान का बीजेपी ने समर्थन किया है, तो वहीं AIMIM चीफ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहा है कि कहते हुए वो नजर आए कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बयान जो सामने आया कि राज्य में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की पता नहीं चलता, और मंत्री जिनकी तरफ से इस पूरे मामले को उठाया गया उनके ऊपर भी हमला बोला गया। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और लोग जो हैं स्थानीय वो इस मस्जिद को गिराने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को विधानसभा में भी इस पर चर्चा हुई थी, जहां उन्होंने कहा कि 2010 में शिमला कॉरपोरेशन में मामला भी दर्ज है, यह अवैध मस्जिद है, सरकारी ज़मीन पर बनी है, गांव में कुछ विवाद हुआ तब ये मामला सामने आया है, आरोपी इस मस्जिद में शरण लेने के लिए पहुँचा था। सीधा संजौली का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी कामेश्वर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। कामेश्वर, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त और स्थिति कैसी है इस वक्त संजौली में? यदि बात की जाए, इस समय हम मौजूद है चक्कर कोर्ट, जहां पर आज जो नगर निगम आयुक्त के पास ये केस लगा था, वही जो सुनवाई है अब अगली जो सुनवाई है 5 तारीख को यानी कि 5 अक्टूबर को होगी। और वही बता देना चाहते हैं जो अवैध मस्जिद है, खासकर वो जो 5 मंजिला बनी थी, अगर देखा जाए जिस तरीके से मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो ये जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है, लेकिन जिस तरीके से जो यहाँ पर जो निर्माण किया गया है, अवैध निर्माण किया गया था, फिलहाल आज 10:30 यहाँ पर जो नगर निगम आयुक्त ने जो फैसला सुनाया है कि जो इसकी अगली सुनवाई है वो 5 अक्टूबर को होगी। सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से इस वक्त संजौली में, क्योंकि हमने देखा था बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है पूरे इलाके में आसपास?
बिल्कुल, यदि बात की जाए जो मस्जिद संजौली में है वहाँ पर जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुलिस टुकड़ी वहाँ पर मौजूद है, दिन रात वहाँ पर जो वहाँ का निरीक्षण किया जा रहा है। फिलहाल इस समय हम मौजूद है चक्कर कोर्ट में भी, वहाँ भी मैं दिखाना चाहूँगा कुछ तस्वीरें, जिस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर काफ़ी मुस्तैद है। यहाँ पर जो चक्कर कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई थी, ऐसे में जो यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर अगर बात की है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, अगर हम मस्जिद की बात करें, मस्जिद का क्या है, अगर दो दिन की अगर हम बात करें तो दो दिनों में वहाँ पर काफी धरना प्रदर्शन किया। यदि बात करें जो एक ही दिन में जो संजौली में अत्यधिक जो रोष आक्रोश रैली निकाली गई, इसके साथ साथ जो चौड़ा मैदान में भी निकाली गई, उसी दिन अगर देखा जाए अगले दिन जो कसुमती में भी जो 3 बजे के करीब वहां पर 3 घंटे तक यहां पर रोष रैली निकाली गई। वहां की जो पार्षद है जो कि रचना शर्मा ने कहा कि जो कसुमती में भी एक उक्त व्यक्ति रहता था जिसे वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन दी थी, उसकी लीज खत्म हो चुकी थी, ऐसे में वहां पर वो जो मकान था उसे जो मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। पहले वहां पर 20-25 लोग नमाज पढ़ने आते थे, अब डे बाई डे वहां पर जो संख्या बढ़ती रही और 500 से अधिक वहां पर लोग आने लगे। ऐसे में वहां के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जब लोग वहां पर मस्जिद पढ़ने आते थे तो आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनके घरों में टांग झांक करते थे, जिसकी शिकायत उन्होंने पहले थाने में भी किया है, खासकर उन्होंने इसका रोष व्यक्त भी किया और खासकर जो रैली निकाली गई और खासकर लोगों ने इसी मकसद से रैली निकाली गई, खासकर जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका पंजीकरण होना अनिवार्य है। खासकर जो रचना शर्मा ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि जो खासकर जो बाहरी लोग आते हैं उनका पंजीकरण होना जरूरी है। वहीं अगर हम बात करें जो संजौली मस्जिद की, तो उस समय भी यही देखा जा रहा था कि जो बाहरी राज्य के काफी संख्या में वहां पर लोग आ रहे थे, ऐसे में वहां के स्थानीय लोगों का भी स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जो लोग वहां पर आ रहे हैं पंजीकरण होना चाहिए और खासकर बात वैध आवेद किया है। अगर देखा जाए जो कैबिनेट मंत्री अनुरोध सिंह ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि बात मस्जिद की नहीं है, बात है वैध आवेद की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, अगर नगर निगम शिमला की बात करें तो 34 वार्ड है, ऐसे में यदि कोई भी 1 इंच भी अपना मकान बढ़ाता है तो उसे तोड़ दिया जाता है, लेकिन वहां पर जो बहुमंजिला मंजिल है 5 मंजिला वहां पर मकान बने उसके ऊपर रोक क्यों नहीं हुआ। अगर देखा जाए खासकर अगर नगर निगम में आज 45वीं यहां पर जो केस की सुनवाई हुई है, इससे पहले 44 सुनवाई हो चुकी थी, और अगर हम बात करें नगर निगम की तो नगर निगम ने लगभग 35 नोटिस पहले भी दे चुके थे, लेकिन उसके बावजूद जो निर्माण कार्य है वो रुका नहीं। और अगर हम कुसुमती की भी बात करें तो कुसुमती के स्थानीय लोगों और जो कौंसिल ने भी पहले इसकी शिकायत की है और उन्होंने भी कहा था यहां पर जो निर्माण किया जा रहा है और वहां भी तरपाल भवन के ऊपर लगा दिया है, भी 2 मंजिला मकान बनाया गया है जहां पर जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने आते हैं। बहुत शुक्रिया कामेश्वर आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स जो हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कामेश्वर शर्मा